बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, मगर मेरा कोई कहना नहीं है इनसे, ये अपने म्यार में खुश हैं, हम अपने म्यार में खुश हैं। पर मेरा आप लोगों से कहना है क्या, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देगा, आंखों में रहा तवज्जो, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देगा, क्या आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देगा, क्यों आज कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, मगर कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। जिस शेर की वजह से मैं यह गजल पढ़ रही हूं, शायद पसंद आएगा, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, हमारे दोस्त अहबाब जितने भी बैठे हैं, जैसे आप लोग भी, क्योंकि जो भी शेर बोलूंगी मैं अदब के दायरे में, और क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, जी बात। मगर क्यों जरा मुलाजा करें, खुदा वंडा मोहब्बत में ये क्या दस्तूर होता है, जिसे दिल चाहता है वो हमेशा दूर होता है, खुदा बंदा मोहब्बत में एक दस्तूर होता है, जिसे दिल चाहता है वो हमेशा दूर होता है, मेरा दिल भी ये क्या दिल है, ये मिट्टी का खिलौना है, जरा सी ठेस लगते ही ये चकना चूर होता है, जरा सी ठेस लगती है ये चकना चूर होता, मगर जरा सी ठेस लगते ही ये चकना चूर होता है, मगर एडवाइस दे रही हूँ आपको, कवाल साहब जरा सुने, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के फंद आया है, आदतें हैं आज भी उसकी वही पहले जैसी, फिर भी ये कपड़े शरीफों के पहन आया है, फिर भी ये कपड़े शरीफों के पहन आया है, किताबे इश्क मोहब्बत से खोलना सिखोए, कवाल साहब सुने आप, किताबे इश्क मोहब्बत से खोलना सीखो, फकत बदन ही नहीं दिल भी टटोलना सीखो, क्योंकि गजल में तर्ज तकल्लुम बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरों के साथ सलीके से बोलना सीखो, सुरों के साथ सलीके से बोलना सीखो, सुरों के साथ सलीके से बोलना सीखो, मगर गजल के बदले पे बचो, चाहता मैंने जिसको, चाहता मैंने जिसको, समझो छोंगे कैसे, हाँ जी, चाहता मैंने जिसको, चाहता मैंने जिसको, मोहब्बत के वास्ते, जनाब पुत्तन खास आपकी जाने से 100 रुपए शुक्रिया, और चाहता मैंने जिसको, आज चाहता मैंने जिसको,
मोहब्बत के वास्ते चाहा तो मैंने जिसको चाहा था मैंने जिसको मोहब्बत के वास्ते सुनेगा क्योंकि रंजो आलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया रंजू आलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया अजी जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़ कर गया जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़ कर गया देखे तो कोई इश्क तकाफुल के शौकिया और वो ख्वाब में भी आया तो मुंह मोड़ के गया ये शेर सुने अच्छा किया जो आपने धोखा दिया मुझे अब उम्र भर के वास्ते चौंका दिया मुझे और जिसको सवारने में मेरी उम्र गुजर गई अरे अब वो सवर गया है तू उलझा दिया मुझे और ये साहब की जाने से 500 रुपए शुक्रिया जरा नवाजी और जनाब नूर हसन साहब और जनाब मरहूम नूर हसन साहब और पुत्तन खान साहब की जाने से 100 रुपए शुक्रिया कह रहे हो क्या चाहा और चाहा ता मैंने जिसको चाहा ता मैंने जिसको मोहब्बत के वास्ते और अरे चाहा चाहा मैंने जिसको मोहब्बत के वास्ते क्यों चाहा मैंने जिसको मोहब्बत के वास्ते क्यों अजी ठुकरा दिया उसी ने अजी ठुकरा दिया उसी ने दौलत के वास्ते ठुकरा दिया उसी ने दौलत के ठुकरा दिया उसी ने दौलत के कैसे पत्थर दिल से दिल को लगा कर पत्थर दिल से दिल को लगा कर टूट गए हम प्यारी जता कर पत्थर दिल से दिल को लगा कर टूट गए हम प्यारी जता कर सच बतलाओ तुमको मिला क्या सच बतलाओ तुमको मिला क्या सच बतलाओ मिला क्या और हंसती हुई आंखों को रुला कर तो कहा है क्या चाहा साहब सुने आप भी चाहा तो मैंने जिसको मोहब्बत के वास्ते क्यों अजी ठुकरा दिया उसी ने अजी ठुकरा दिया उसी ने अजी दौलत के वास्ते अरे दौलत के वास्ते ठुकरा दिया उसी ने भी दौलत के वास्ते मगर किस बात पे जरा मुलाजा करें बचपन की आदतें हैं अभी उसमें बेशुमार
हाजी हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। और प्यार, अरे प्यार जो लोग इबादत की तरह करते हैं, क्योंकि अब तो वो चाहने वाले भी नहीं मिलते हैं। अभी उस में बेशुमार। और ये साहब की जाने से फिर से 500 रुपए शुक्रिया। बचपन की आदतें अभी उस में बेशुमार, मगर क्यों अजीब वो दिल से खेलते रहे, वो दिल से खेलते रहे, अजीब वो दिल से खेलते रहे, शोहरत के वास्ते वो दिल से खेलते रहे। और जनाब ये कलाम श्री कैसेट के माध्यम से स्टार्ट किया जा रहा है, मगर आप लोग से मैं गुजारिश करती हूँ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मगर मेरा क्या कहना है मुलाजा करें। बचपन की आदतें हैं अभी उसमें बेशुमार, बचपन की आदतें हैं अभी उसमें बेशुमार, और वो दिल से खेलते रहे, अरे वो दिल से खेलते रहे, शहरत के वास्ते शहरत के वास्ते। और ये शेर मुलाजा करें, और हमारी माँ बहने बैठी हैं वो भी सुने, और साहब आप भी सुने, जितनी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है जो अलग शेर पे बैठे हैं ये शेर सुने, और जो तवज्जो से होंगी। जब बेटा बड़ा होता है तो माँ बाप के सर पे जिम्मेदारियां होती हैं, तो जब जिम्मेदारियां से वो आजाद हो जाते हैं, मगर बेटा बचपन से बड़े होने तक के क्या सिला देता है, जरा मजा करें। हाँ, मैं हवा कैसे बेटे, हाजी बेटे का घर बसाया था, बेटे का घर बसाया था, खिदमत के वहां देते बसाया था, खिदमत के वहां थे ते बेटे बसाया था,
और हमारी माँ बहने भी सुने, आज का नौजवान बाप से बदकलाम करता है, और क्या? बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, माँ को देता है बेटा गाली और सास का एहतराम करता है। के वासी तू आज माँ बाप को भुला दिया, अरे बेटे का दरवाजा आया था आज खिदमत के वासी तू आज माँ बाप को भुला दिया, हाजी माँ बाप को भुला दिया, क्यों माँ बाप को भुला दिया, हाजी औरत के वास्ते माँ बाप को भुला दिया, अरे माँ बाप को आपको बुला दिया औरत के वास्ते। मगर ये आखिरी शेर सुने, बाप के सर पे बेटी की भी जिम्मेदारी रहती है कि कब अपने फर्ज से माँ बाप अदा हो जाए कुछ नहीं पता, मगर वो गरीब घर की बेटी, मगर क्या मुलाजा है, जरा मुलाजा कर दे जितने भी हमारी माँ बहने बेटे साहब आप भी सुने। बेटी बेटी के हाथ पीन जो करने ते बापू को, अरे बेटी बेटी के हाथ पीन जो करने थे बापू को, क्यों बेटी के हाथ पीन जो करने थे बाप को, किस बात पे तवज्जो चाहूंगी, किसी भी हाल में वो मुस्कुरा नहीं सकती, किसी भी हाल में वो मुस्कुरा नहीं सकती और चराग खुशियों के लब पर वो जला नहीं सकती, क्योंकि गरीब बाप की बेटी का ये मुकद्दर है बिना दहेज के वो घर बसा नहीं सकती। बेटी के पीले जो करने थे बाप को, और घर वो भी गिर भी रख दिया, आज घर वो भी गिर भी रख दिया, इज्जत के वास्ते